फ्रेंड्स, माय नेम इज अमनजन। आज हम बात करेंगे आज एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आईटी सेक्टर से है और इनके आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, प्लस 280% का डिविडेंड भी दिया जो कि 14 रुपये का होता है। और मेन जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसके बेस पर इस स्टॉक के अंदर आपको क्या करना चाहिए वो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। आज देखेंगे तो 3% डाउन है, 750 के ऊपर क्लोजिंग थी। इसका 52 वीक हाई 846 और 612 का लो है। तो इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 73,000 करोड़ से ज़्यादा है और फेस वैल्यू है 5 रुपये का। लेकिन आपको देखने वाली ये बात है कि इस क्वार्टर के अंदर थोड़े प्रॉफिट्स के अंदर प्रेशर है और गिरावट में ये स्टॉक लेने जैसा ही है। कितनी भी गिरावट आए लेकिन लोअर रेट्स पे बाय करने का काफ़ी अच्छा मौका इन स्टॉक्स के अंदर बनता है। तो ये लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है। आप अगर देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू रहा है 9059 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर में 9024 का था, लगभग सेम ही आप मान सकते हैं। और 2018 मार्च में 8505, क्योंकि रेवेन्यूज़ इस क्वार्टर में बढ़े हैं प्लस एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हुए, उसी के कारण जो है प्रॉफिट जो इस बार निकल के आया है 1126 मीन्स 1126 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में 1206 का था जो कि 70-80 करोड़ का फर्क गिरा है। और लास्ट 2018 के अंदर 1230 1230 करोड़, वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो उसी कारण इस स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रेशर ज़रूर आ सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी भी गिरावट आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर बनती है, क्योंकि रिजल्ट्स जो आए हैं इतने ख़राब नहीं आए हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में फिर अच्छा खासा रिटर्न इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 280% का किया है जो कि 14 रुपये के करीब होता है। और अगर आपके स्टॉक है आपके पास तो आपको होल्ड करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट तक, जो कि इनकी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उस टाइम पे बुक क्लोजर डेट होता है, उससे पहले आपको लेना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल रहो डिविडेंड के लिए। गिरावट में भी आप लीजिए, मेरे हिसाब से आईटी के अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा करेक्शन इन स्टॉक से अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन उन करेक्शंस के अंदर थोड़े थोड़े स्टॉक आप उठाते रहिए ताकि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो एक और बात बोलनी थी, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप इजीली ज़ीरोधा में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन इजीली हो जाता है। ज़ीरोधा कस्टमर केयर आपको हेल्प करती है अगर आपको कोई क्वेरी है। प्लस ओपन होने के बाद आप क्लाइंट आईडी हमें बता सकते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। प्लस जो भी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह रहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, वो आपको वहाँ पे शेयर किया जाएगा ताकि आप भी अपडेटेड रहो हर एक चीज़ के लिए। तो आज इसी के बारे में बोलना था, चलिए थैंक यू।